हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 10 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर्स के बारे में, जिनकी आवाज के भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोग दीवाने हैं। दोस्तों, अगर हम आज से कुछ साल पीछे जाएं तो पहले पंजाबी गानों को सिर्फ और सिर्फ पंजाब में पसंद किया जाता था, लेकिन आज पंजाबी गानों का ऐसा ट्रेंड है कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोग पंजाबी गानों के फैन बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 ऐसे पंजाबी सिंगर्स के बारे में जिनको की लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इंडिया के टॉप 10 पंजाबी सिंगर्स के बारे में। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं मनकीरत ओलक। तो दोस्तों, अगर हम मनकीरत ओलक के रियल नेम की बात करें तो मनकीरत ओलक का रियल नेम है मनी और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1990 को फतेहाबाद हरियाणा में। दोस्तों, अगर मनकीरत ओलक के पहले डेब्यूट सॉन्ग की बात करें तो उनके पहले डेब्यूट सॉन्ग का नाम था दर्शन करके, जो कि रिलीज हुआ था 22 नवंबर 2013 को। और अगर हम बात करें इनके अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो इनके सॉन्ग बदनाम को अब तक यूट्यूब पर 336 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसके अलावा इनका दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सॉन्ग है कदर, जिसको कि अब तक यूट्यूब पर 134 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों, इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें तो अभी इनके इंस्टाग्राम पर 3.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और मनकीरत ओलक के बाद हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं एमी विर्क। अगर हम इनके रियल नेम की बात करें तो इनका रियल नेम है अमरिंदर पाल सिंह विर्क और इनका जन्म हुआ था 11 मई 1992 को नाभा पटियाला पंजाब में। अगर हम बात करें एमी विर्क के पहले डेब्यूट सॉन्ग के बारे में तो इनके पहले डेब्यूट सॉन्ग का नाम था चंडीगढ़ दी कुड़िया, जो कि रिलीज हुआ था 2012 में। एमी विर्क 2015 से 2018 तक 11 फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा एमी विर्क इंडिया के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग लॉन्ग लाची में भी लीड रोल निभा चुके हैं। और अगर हम बात करें एमी विर्क के द्वारा गाए हुए उस सॉन्ग के बारे में जिसको कि अब तक यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बार देखा जा चुका है, तो उस सॉन्ग का नाम है किस्मत और इस गाने को अब तक यूट्यूब पर 227 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों, एमी विर्क के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और एमी विर्क के बाद अब हम बात करने वाले हैं पंजाबी सिंगर अखिल के बारे में। तो अखिल का रियल नेम है अखिल पसरेजा और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1990 को जालंधर पंजाब में। अगर हम बात करें अखिल के पहले डेब्यूट सॉन्ग के बारे में तो इनके पहले डेब्यूट सॉन्ग का नाम था अंग्रेजी देसी, जो कि रिलीज हुआ था 2013 में और उनके इस सॉन्ग को लिखा था इक्का ने। दोस्तों, अगर हम बात करें अखिल की अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो उनके सॉन्ग ख्वाब को अब तक यूट्यूब पर 303 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और अगर हम बात करें उनके दूसरे सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो उनके सॉन्ग दुनिया, जो कि आया था लुका छुपी मूवी में, और उनके इस सॉन्ग को अब तक 129 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अखिल के इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और अखिल के बाद हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं हार्डी सांधू। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हार्डी सांधू का फुल नेम है हरदविंदर सिंह सांधू और इनका जन्म हुआ था 6 सितंबर 1986 को पटियाला पंजाब में। अगर हम बात करें हार्डी सांधू के पहले सॉन्ग के बारे में तो इनका पहला डेब्यूट सॉन्ग था तकेला शॉट, जो कि रिलीज हुआ था 2012 में। और अगर हम बात करें इनके अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो इनके सॉन्ग क्या बात है को अब तक यूट्यूब पर 420 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और क्या बात है सॉन्ग के बाद ना सॉन्ग को भी अब तक यूट्यूब पर 384 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि हार्डी सांधू के भी इंस्टाग्राम पर 3.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और हार्डी सांधू के बाद हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं परमिश वर्मा। दोस्तों, परमिश वर्मा एक सिंगर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे एक्टर, मॉडल और डायरेक्टर भी हैं। इनका जन्म हुआ था 3 जुलाई को पटियाला पंजाब में। एक एक्टर के तौर पर इनका पहला सॉन्ग था पंजाब बोलदा, जो कि रिलीज हुआ था 2011 में। और एक डायरेक्टर और मॉडल के तौर पर इनका पहला सॉन्ग था ठोकदा रेहा, जो कि रिलीज हुआ था 2015 में। और एक सिंगर के तौर पर इनका पहला सॉन्ग था ले चक में आ गया, जो कि रिलीज हुआ था 2017 में। और उनके इस सॉन्ग को अब तक यूट्यूब पर 136 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों, अगर हम बात करें परमिश वर्मा के अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो इनके सॉन्ग गाल नहीं करनी को अब तक यूट्यूब पर 224 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि परमिश वर्मा के इंस्टाग्राम पर अभी 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
और परमेश वर्मा के बाद हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं दिलजीत दोसांझ। दोस्तों आपको बता दूं कि दिलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 को जालंधर पंजाब में हुआ। और अगर हम दिलजीत दोसांझ के पहले डेब्यूट सॉन्ग की बात करें तो इनका पहला डेब्यूट सॉन्ग था इश्क दा उड़ा उड़ा, जो कि रिलीज हुआ था 2004 में। और अगर हम बात करें दिलजीत दोसांझ के अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो इनके सॉन्ग लैम्बोर्गिनी को अब तक 228 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और लैम्बोर्गिनी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा देखा गया सॉन्ग है रात दी गेड़ी, जिसके ऊपर अब तक 133 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि दिलजीत दोसांझ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी 7.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और दिलजीत दोसांझ के बाद हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं जस्सी गिल। तो जस्सी गिल के रियल नेम की बात करें तो इनका रियल नेम है जसदीप सिंह गिल और इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1988 को लुधियाना पंजाब में। अगर हम इनके पहले डेब्यूट सॉन्ग की बात करें तो जस्सी गिल का पहला सॉन्ग था चूड़ियां, जो कि रिलीज हुआ था 2011 में। और अगर हम बात करें जस्सी गिल के अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो उनके सॉन्ग निकले करंट को अब तक यूट्यूब पर 508 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और निकले करंट के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखा गया सॉन्ग है बापू जिम्मेदार, जिसको कि अब तक यूट्यूब पर 264 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि जस्सी गिल के इंस्टाग्राम पर अभी 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और जस्सी गिल के बाद अब हम बात करने वाले हैं पंजाबी सिंगर गुरी के बारे में। तो दोस्तों अगर गुरी के रियल नेम की बात करें तो इनका रियल नेम है गुरी खतरा और इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1992 को पटियाला पंजाब में। और अगर हम बात करें गुरी के पहले डेब्यूट सॉन्ग के बारे में तो इनका पहला डेब्यूट सॉन्ग था माशूक फटे चकनी, जो कि रिलीज हुआ था 2016 में। और अगर हम बात करें गुरी के अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो उस सॉन्ग का नाम है मिलोना और उस सॉन्ग को अब तक यूट्यूब पर 245 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों अगर हम गुरी के फॉलोअर्स की बात करें तो गुरी के इंस्टाग्राम पर अभी 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और गुरी के बाद हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं जस माणक। दोस्तों अगर हम जस माणक के रियल नेम की बात करें तो इनका रियल नेम है जसप्रीत सिंह माणक और इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1993 को जालंधर पंजाब में। अगर दोस्तों हम बात करें जस माणक के पहले डेब्यूट सॉन्ग के बारे में तो इनका पहला डेब्यूट सॉन्ग था यू टर्न, जो कि रिलीज हुआ था 2017 में। और वहीं अगर हम बात करें इनके अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो इनके सॉन्ग पराडा को अब तक यूट्यूब पर 488 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और पराडा के बाद दूसरा सबसे ज्यादा देखा गया सॉन्ग है शूट पंजाबी, जिसको कि अब तक यूट्यूब पर 197 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें जस माणक के फॉलोअर्स के बारे में तो इनके इंस्टाग्राम पर अभी 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और जस माणक के बाद हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर एक नहीं बल्कि 2 सिंगर्स को ऐड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों सिंगर्स की पॉपुलैरिटी बिल्कुल सेम है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से किसको नंबर 1 पर और किसको नंबर 2 पर रखा जाए, तो इसलिए मैंने इन दोनों को नंबर 1 पर रखा। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों सिंगर्स का नाम। तो एक है योयो हनी सिंह एंड दूसरे हैं गुरु रंधावा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं जाने माने सिंगर गुरु रंधावा के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें गुरु रंधावा के रियल नेम की तो इनका रियल नेम है गुरशरणजोत सिंह रंधावा और इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1991 को नूरपुर गुरदासपुर पंजाब में। और वहीं अगर हम बात करें गुरु रंधावा के पहले सॉन्ग के बारे में तो इनका पहला डेब्यूट सॉन्ग था छट गई। और वहीं अगर हम बात करें इनके अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो उस सॉन्ग का नाम है लाहौर और इस सॉन्ग को अब तक यूट्यूब पर 747 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और लाहौर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखा गया सॉन्ग है हाई रेटेड गबरू, जिसको कि अब तक यूट्यूब पर 740 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों बात करें अगर गुरु रंधावा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तो गुरु रंधावा के इंस्टाग्राम पर अभी 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि अभी तक किसी भी दूसरे पंजाबी सिंगर्स के पास नहीं है और यही बात गुरु रंधावा को सबसे डिफरेंट बनाती है। और गुरु रंधावा के बाद अब हम बात करने वाले हैं योयो हनी सिंह के बारे में। तो दोस्तों
दोस्तों अगर हम बात करें योयो हनी सिंह के रियल नेम की तो इनका रियल नेम है हृदय सिंह और योयो हनी सिंह का जन्म हुआ था 15 मार्च 1983 को होशियारपुर पंजाब में। दोस्तों अगर हम बात करें हनी सिंह के करियर के पहले सॉन्ग के बारे में तो योयो हनी सिंह का पहला डेब्यूट सॉन्ग था पेशी और वहीं अगर हम बात करें इनके अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए सॉन्ग के बारे में तो उस सॉन्ग का नाम है धीरे धीरे से और इसको अब तक यूट्यूब पर 357 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और धीरे धीरे से सॉन्ग के बाद सबसे ज्यादा देखा गया सॉन्ग है दिल चोरी जिसको कि अब तक यूट्यूब पर 336 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं योयो हनी सिंह के फॉलोअर्स के बारे में। तो हनी सिंह के इंस्टाग्राम पर अभी है 2.8 मिलियन फॉलोअर्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि हनी सिंह के इंस्टाग्राम पर इतने कम फॉलोअर्स क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हनी सिंह को इंस्टाग्राम यूज करते हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ है। पहले वो केवल फेसबुक यूज किया करते थे तो उनके फेसबुक पेज पर अभी लगभग 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर। आप लोग बताओ कि आप इन सब में से कौन कौन से सिंगर के फैन हो। आप जिसके भी फैन हो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखते हैं कि हमारे इस चैनल पर कौन से सिंगर के फैन सबसे ज्यादा हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर मेहनत की गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक